15 साल पहले की बात है। शोभा नहा रही थी जब उनको अपने स्तन में गांठ नजर आई। वो खुद डॉक्टर हैं। मौसी को हाल में ही कैंसर हुआ था, सो तुरंत डॉक्टर के पास भागी। पहले तो लगता था शायद मेरे मन में शंका है, मेरी मासी को हुआ तो मुझे होगा होगा, इस तरह की मेरे मन में ही शंका है, शायद ये नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर के पास जाना तो जरूरी है, और जाने के बाद पता चला कि वो कैंसर की ही गांठ है। और घर में भी सबको बताया कि ये कैंसर की गांठ हुई है, तो ऑपरेशन करके बाद में सब ठीक होगा। लेकिन उन्हें तो लगा कि ये तो एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, कभी एक भी दिन बिस्तर पे, जो 15 साल में शादी के बाद एक भी दिन बिस्तर में नहीं रही, उसको ये एकदम सी बीमारी कैसे हुई। लेकिन मैंने बताया कि ये किसी को भी हो सकती है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, शोभा को भी था। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। स्तन का निकाला जाना, रेडिएशन और कीमोथेरेपी जरूरी थे। कीमोथेरेपी के बाद बहुत उल्टियां होती थी, थकान लगती थी, लेकिन ज्यादा लिक्विड लेने के कारण सब कुछ ठीक हो जाता था। एक दो दिन तकलीफ होती थी, बाद में सब ठीक था। 15-20 दिन ठीक चलते थे, वापस वही लेना है केमो। तो केमो के बारे में बहुत डर बैठ गया था। केमोथेरेपी के इंजेक्शन देने से पहले ही उल्टियां चालू हो जाती थी, इतना डर बैठ जाता है। जो अंदर से फीलिंग होती है केमोथेरेपी के बारे में, बहुत अजीब सी होती है, बहुत जी मचलता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस समय। पर शोभा और उनके परिवार ने तो कैंसर को हराने की ठानी थी। एक कमजोर पड़ता तो दूसरा सहारा देता। बच्चे छोटे थे, पति ने दोनों को और घर को संभालने का जिम्मा लिया। शोभा का कैंसरग्रस्त स्तन ऑपरेशन से निकाल दिया गया। स्तन का यूं निकाल दिया जाना किसी भी महिला के लिए एक बड़ा धक्का हो सकता है। जब मैं पहली बार डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठी थी, तो एक आदमी बैठा था, उसकी टांग कटी हुई थी। तो उसे देखते ही मुझे लगा कि ये तो हैंडीकैप्ड हो गया, मेरी तो सिर्फ ब्रेस्ट निकाली जाएगी, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए मेरा मन में थोड़ी सी हिम्मत तो जुट गई। दूसरी बात, मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मुझे कभी महसूस ही होने नहीं दिया कि मुझे ब्रेस्ट नहीं है। शोभा और उनका परिवार इलाज से उबर ही रहे थे, जिंदगी वापस लीक पर आ ही रही थी कि 3 साल बाद 1989 में गले में एक बार फिर गांठ महसूस हुई। कैंसर लौट आया था। एक बार फिर ऑपरेशन, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। शोभा ने अपना विश्वास रखा, वो कैंसर को मात दे पाई हैं। अब 11 साल बीत चुके हैं और कैंसर का साया भी दूर हो चला है। पहले मैं बहुत एक्टिव थी, आज उतना काम नहीं कर सकती जितना पहले कर सकती थी, लेकिन सब काम कर सकती हूँ। कुछ काम करो, कुछ आराम करो, लेकिन अपने को प्रायोरिटी दो, यानी खुद की देखभाल खुद पहले करो, बाद में दूसरों को देख सकोगे। आपका आहार विहार ठीक हो, मन खुश हो और सबका सपोर्ट हो, तो कैंसर से लड़ने में आसानी होती है। ये एक बहुत मामूली बीमारी है, इसको बड़ा मत समझो, इसको छोटा समझो तो वो छोटी बीमारी हो जाएगी।